और माय क्रिकेट प्रेमी, सो गाइस आज इस बैट का हम रिव्यू कर रहे हैं आफ्टर यूजेस और लॉट ऑफ मैच। सो गाइस अभी आप हमारे हाथ में एक बैट देख पा रहे होंगे, DSC का स्कोरर बैट, कश्मीरी विल्लो बैट है। और गाइस इस बैट को मैंने ऑब्वियसली नॉकिंग, ऑयलिंग और काफ़ी ज़्यादा प्लेट करने के बाद इससे मैं मैच भी खेल चुका हूँ और फिलहाल अभी तक इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आया है। और गाइज इसकी शॉट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा नाइस है, इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज लगाए हैं, फोर काफ़ी ज़्यादा चौके ज़्यादा बहुत ज़्यादा मारे हैं। छक्के तो मैं मारता ही नहीं हूँ गाइज, बट इससे मैंने चौके बहुत ज़्यादा मारे हैं। और गाइज यकीन मानो इस बैट से बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स निकले हैं हमारे। बॉल लगने के बाद बाउंड्री इतनी जल्दी टच करी है कि मैं विश्वास नहीं कर सका कि भाई यार गाइज इस बैट से इतनी अच्छी शॉट्स। और कीमत कितनी है गाइज इस बैट की? ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर चुका हूँ इस बैट के, जब मैंने इस बैट को परचेस किया था सिर्फ 1350 यानी 1350 रुपये का ये बैट है, कश्मीरी विल्लो बैट DSC का स्कोरर। और गाइज आप इस बैट तो देख ही सकते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें टैपिंग कर रखी है, ठीक है। नीचे भी मैंने एक टेप लगा रखा है जिसको जो है एराल्डाइट लगा के मैंने एक जो है बाइंडिंग तरह से किया है ताकि बैट में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हैंडल साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने बाइंडिंग करी है, घर पर करी है खुद ही, बाहर मार्केट पर नहीं करी है। और देखो मैं इसकी नॉकिंग पहले आपको सुना देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच खेल चुका हूँ, ऑलरेडी नॉक्ड है मेरे मेरे पास और नॉक्ड बैट है ये, फिर भी आवाज़ इसके आप सुनना। आवाज आप इसकी सुनी पा रहे होंगे, ये बैट फुल लॉक्ड है, रेडी टू प्ले। ऑलरेडी मैंने इससे काफी ज्यादा मैच खेल चुका हूं और ये बॉल है मेरे पास और थोड़ी से पुरानी है, ज्यादा नया नहीं है। इससे आप पिंग इसकी चेक कर सकते हैं, देखो पिंग। सो गाइज अभी मैंने आपको हैमर से भी नॉक करके दिखाया है और साथ में बॉल से पिंग करके भी दिखाया है। इस बैट की कीमत सुन के आप हैरान तो जरूर हो चुके होंगे, क्योंकि ये बैट सिर्फ 1350 रुपये के अंदर आपको मिल जाती है। लेदर बैट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सोल है, सॉरी इसकी जो हैंडल है वो 3 लेयर पे, यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। हैंडल थोड़ा सा ग्रिप जो है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है, वो मेरी गलती से हुआ है घर पे रखने से, ठीक है। बाकी ग्रिप जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, थम्स अप फॉर द ग्रिप। और शॉर्ट हैंडल लॉन्ग बैट है, फुल साइज में जो शॉर्ट हैंडल बैट है। और इसकी सबसे अच्छी मेरे को बात लगी कि देखो ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स स्ट्रेट ग्रेन्स तो नहीं है बट ग्रेन्स कहीं पे भी छिपाया नहीं गया इसका DSC का, यही मेरे को अच्छा चीज़ लगा। क्योंकि इतने सस्ते बैट अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको भरपूर ग्रेन्स दिखते हैं जो होती है आर्टिफिशियल ग्रेन्स, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अगर आपको नहीं पता है आर्टिफिशियल ग्रेन्स को, अगर नया बैट लेने जाते हैं तो यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको लाइनिंग दिख रही है तो आप समझ जाना कि वो नेचुरल ग्रेन्स है, अगर यहाँ पे आपको लाइनिंग नहीं दिख रही है तो आप समझ जाना कि वो आर्टिफिशियल ग्रेन्स है, उसको ग्रेन्स को बनाया गया है, हुड में कोई ग्रेन्स नहीं है। फिर भी इस बैट में कोई ग्रेन्स नहीं दिख रही है मुझे, नॉर्मली जो है टेढ़े बकोले ग्रेन्स दिख रहे हैं। बट इस बैट की खासियत क्या था पता है, यहाँ पे हुड की आई है देखो, और ये पावर हिटिंग जोन है, जब बॉल मेरे यहाँ पे हिट करती है भाई साहब बाउंड्री के पार ही जाके रुकती है। क्योंकि जो ये आंख अगर आपको बैट में मिल जाती है तो समझ लेना कि वो सबसे बैट का पावर हिट जोन होगा। और इस बैट के बारे में तो क्या ही बताएं हम, ऑब्वियसली हमने इस बैट के बारे में बता चुके हैं, रिव्यू कर चुके हैं, फिर भी आपको मोटा मोटी आपको इस बैट के बारे में बता देते हैं। ये जो बैट है गाइस DSC का स्कोरर कश्मीरी विल्लो बैट है, ठीक है। ग्रेड ना ए ग्रेड का है ना बी ग्रेड का है, ये बैट जो है वो मेरा डी ग्रेड का बैट है, सही बता रहा हूँ, डी ग्रेड का बैट है कश्मीरी विल्लो में। क्योंकि इतने सस्ते में आपको ना ही ए ग्रेड मिलेगा ना ही बी ग्रेड मिलेगा, अगर आप ए या बी ग्रेड लेना चाहेंगे कश्मीरी विल्लो में तो अबव 4000 के आसपास आपको कॉस्टिंग लग जाती है, ठीक है। फिर भी अगर मैं डी ग्रेड के बैट के साथ अच्छा परफॉर्म करता हूँ, चौका मैंने बहुत लगा इस बैट से, छक्का तो मैं मारता ही नहीं हूं, ठीक है, बट अगर आप मारते हैं तो बेझिझक इस बैट से आराम से सिक्स निकल सकती है। हमने खेली है इससे IPL टूर्नामेंट, यानी हमारी जो टूर्नामेंट है अपनी कंपनी की जो टूर्नामेंट होती है IPL ही है वो भी,
ठीक है, वहाँ पे हमने इस बैट से खेले हैं, परफॉर्मेंस दी हैं, अच्छा शॉट्स निकली है गाइज। अगर आप भी एक रिजनेबल प्राइस में बैट लेना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि देखो ना ही अभी इसकी हैंडल में कोई प्रॉब्लम आई और ना ही बैट में कोई प्रॉब्लम आया। मैंने बहुत सारे बैट्स देखे हैं, हमने 10-10 हज़ार के बैट भी लिए हैं, SG के सन्नी डंडी बैट भी हमने लिए हैं जो डैमेज हो गए थोड़ी से खेलने के बाद ही, और बाकी भी हमने बैट लिए हैं जिसमें हमें हैंडल की डैमेजेस देखने को मिले हैं। बहुत सारे बैट्स टूर्नामेंट में आई थी, बहुत सारे बैट्स डैमेज हुए, 20 से 2 टुकड़े हो गए, बट ये बैट अभी भी फिलहाल सलामत है क्योंकि 100 बैट है। मैं सिर्फ खेलता हूँ इस बैट से, बाकी कोई लोग नहीं इसको खेलते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी बैट है वो कॉमन शेयरिंग बैट है, तो शेयरिंग में आपको पता ही है यार प्रॉब्लम तो हो ही जाती है बैट को, क्योंकि खेलने का ऊपर डिपेंड होती है। कोई लपाड़ू होते हैं, कोई टेक्निकल शॉट्स खेलते हैं, तो लपाड़ू में तो गाइज ऑब्वियसली कैसा भी बैट हो डैमेज तो होना ही होना है, और बैट हमेशा सिंगल हैंड बैट हो तो काफ़ी अच्छा चलता है। बाकी इस बैट के साथ जो कवर आया था टेट्रोन का, वो भी अभी तक मेरे पास सेफ रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे तरह से उसको हैंडल करता हूँ, कैरी करके कहीं भी ले जाता हूँ गाइज। बाकी इस बैट के बारे में मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इस बैट से मैंने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल अभी तक भी ये बैट, और यकीन मानो गाइज अगर आप लेना चाहते हैं बिगिनर्स जो है अभी अभी आप क्रिकेट स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, नेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, प्लेड करना पसंद करते हैं, तो आप ये बैट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस वाले चैनल के अंदर हर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं गाइस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग एल्स यू विल गेट द वीडियोस ऑन दिस चैनल। सो फटाफट गाइस इसी के लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।